हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका, आपकी गार्डनर दोस्त। आज आपसे चंपा के प्लांट के बारे में बात करूंगी। ये गर्मियों का एक बहुत ही हार्डी प्लांट है चंपा, जहाँ पर बहुत ज्यादा धूप आती हो, इसको कम से कम 5-6 घंटे की धूप नहीं मिले ना तो ये फूल नहीं देता। तो इसके फ्लावर्स के आने के लिए 5-6 घंटे की धूप चाहिए होती है, और इसलिए ये जो है वो गर्मियों में धूप में लगाने के लिए बहुत अच्छा पौधा है। और ये आप घर के बाहर भी लगा सकते हैं, इसको एनिमल्स नहीं खाते हैं, कैटल नहीं खाते हैं इसको, तो गाय भैंस बकरी वगैरह इसको खाते नहीं है। मैंने तो अभी तक यही देखा है, और इसलिए ये बहुत अच्छा प्लांट होता है बाहर लगाने के लिए, और धूप अच्छी धूप होती है वहां पर ये फूल देता है। अगर धूप कम आएगी तो ये फ्लावर नहीं करता है। तो जैसे मेरा तो ये फुल धूप में आप इसको रख सकते हैं। मेरा ये जो प्लांट पड़ा हुआ है, ये दो प्लांट्स हैं, ये धूप यहाँ फुल रहती है लेकिन ऊपर मैंने ग्रीन नेट लगाया हुआ है। फिर भी ग्रीन नेट में से भी इसको धूप और गर्मी मिल जाती है और ये फ्लावर कर रहा है। फुल धूप में इस टाइम ये नहीं है, लेकिन ये फुल धूप में भी बहुत अच्छा चलता है। लेकिन अगर आप फुल धूप में थोड़ा पानी कम देते हैं इसको बहुत, तो इसके पत्ते पीले पड़ के थोड़ा जलने से लग जाते हैं। लेकिन अभी ये यहाँ पड़ा हुआ है तो देखिए इसके जो लीव्स वगैरह बड़े हेल्दी हैं। इसको जो पानी है वो आप मॉडरेट दें, मिट्टी इसकी मॉइस्ट रखें, बहुत ज्यादा गीली नहीं रखें, और एक बार पानी दे दें तो दूसरी बार, वैसे आजकल तो एक दिन पानी देते हैं तो शाम तक ही, हमारे यहाँ राजस्थान में बहुत गर्मी है यहाँ पे, तो शाम तक ही दोबारा से मिट्टी सूख जाती है, तो मैं इसको दोनों टाइम पानी दे देती हूँ। लेकिन आप रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग दें। और जमीन में जब ये लगा देते हैं, बहुत बड़ा लिटिल छोटा स्मॉल ट्री बन जाता है जब ये, तो फिर ये जमीन से ही पानी लेना लग जाता है, तो उसको इतना पानी की हमें देखने की जरूरत नहीं है। जब पॉट में लगाते हैं तो आप इसको पानी का थोड़ा सा ध्यान रखें, सौगी भी नहीं होने दें और सूखने भी नहीं दें मिट्टी। अगर ये फरवरी जो है, ये इसका बहुत अच्छा मौसम होता है इसकी कटिंग वगैरह लगाने का। मैंने कटिंग पे एक वीडियो भी डाली हुई है और वो वीडियो आप देख सकते हैं, और मैं वो प्लांट भी दिखाती हूँ अभी आपको जो मैंने कटिंग से लगाया था। उसका मदर प्लांट तो इनफेक्ट मर गया, उसको फंगस लग गई थी और बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया था, और जो कटिंग वाला प्लांट है वो अभी बच गया है, तो वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। और इसके फूलों में हल्की हल्की फ्रेग्रेंस होती है, तो अगर आपके पास कटिंग लगानी है तो आप फरवरी में लगाइए, और अगर आपके पास ये प्लांट है तो फरवरी में आप इसमें अच्छी सी खाद देते हैं। खाद देना इसमें अच्छा रहता है क्योंकि इसको गर्मी में फूल देने होते हैं, तो अभी भी आपके पास है और आपने खाद नहीं दिया तो अभी भी दे दें। जब तक आप इसको खाद नहीं देंगे ये फूल नहीं देगा। और खाद में अगर हम इसको नाइट्रोजन रिच ज्यादा खाद दे देंगे ना, बहुत सारी गोबर की खाद या वो दे देंगे, तो ये पत्ते पत्ते देगा, फिर इसके फूल कम आएंगे। तो हमें क्या करना है कि इसको गोबर खाद देनी है मॉडरेट, जैसे 12 इंच के गमले में आप गोबर खाद दे दीजिए 2-3 मुट्ठी, और साथ में आप उसमें 1 मुट्ठी या 1.5 मुट्ठी बोन मील जरूर दें। तो बोन मील इसको फास्फोरस आप देंगे अच्छी क्वांटिटी में तो ही ये फूल देगा। अगर आप खाली इसको गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट दे देंगे तो आपके पौधा जो है बड़ा होता जाएगा, उसमें पत्तियां आती जाएंगी लेकिन उसमें फ्लावर्स नहीं आएंगे। तो ये आप ध्यान रखिए और मिट्टी को मॉइस्ट रखें, नहीं तो मिट्टी ज्यादा सूखी रखेंगे तो पत्ते भी अनहेल्दी हो जाएंगे और जो है आपका पौधा जो है वो फूल भी नहीं देगा। और ज्यादा मिट्टी सौगी रखेंगे तो भी इसमें फंगस लग जाएगा, और इसके पत्तों में फंगस लगने से कई बार ब्राउन ब्राउन पैचेस आने लग जाते हैं, तो वो ब्राउन पैचेस आने से, तो इस पे आप फिर कॉपर का कोई भी ऐसा फंजीसाइड बाजार से ले आए जिसमें कॉपर हो, ये आप दुकानदार को बोल के लाए, कॉपर वाला फंजीसाइड दे दें और उसको आप अच्छी तरह से इसमें स्प्रे कर दें और मिट्टी में भी दे दें, तो ज्यादा पानी देने से फंगस इसमें होने का डर रहता है। वैसे मैंने इस पे एक और वीडियो पुराना भी बनाया हुआ है, आप वो भी देख सकते हैं। तो वो इसकी ऐसे आप इसकी केयर करें, और महीने में एक बार, जब इसका अभी ये फ्लावरिंग सीजन है, महीने में एक बार इसमें आप एक आधी, जैसे 12 इंच के पॉट की बात करती हूँ मैं, तो 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट दे दें और 2-3 चम्मच इसमें बोन मिल दे दें। वैसे बोन मिल जो है वो बहुत ज्यादा बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं होती है, वो एक बार देने के बाद 3-4 महीने तक स्लो रिलीज होता है, पोटेशियम फॉस्फोरस देता रहता है प्लांट को, लेकिन फिर भी हम एडिशनल दे रहे हैं ताकि साथ साथ कंटिन्यूएशन में इसको ज्यादा देर तक फॉस्फोरस मिलता रहे।
ये देखिए ये वाला प्लांट है मेरा कटिंग से लगा हुआ, और इसमें ये मैं ये फुल सन में रखा हुआ है और इसमें फूल भी अच्छे आ रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा आप इसमें फॉस्फोरस फर्टिलाइजर देते रहें और 15 दिन या 10 दिन में एक बार लिक्विड फर्टिलाइजर देते रहें। जब जो कोई भी प्लांट फ्लावरिंग का सीजन होता है उसका, तो उसको लिक्विड फर्टिलाइजर देते रहना चाहिए हर 10 दिन में एक बार, क्योंकि उसको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए होती है फ्लावर बनाने के लिए। तो इसको भी आप दें, कंपोस्ट ही दे सकते हैं और कोई भी लिक्विड फर्टिलाइजर, मेरी कई वीडियोज हैं उस पर दे सकते हैं। और कुछ नहीं है तो गोबर खाद को या वर्मी कंपोस्ट को आप ओवरनाइट 2-3 दिन भिगो दें या ओवरनाइट भिगो दें और उसका पानी भी दे दें, तो आपके प्लांट को जो है वो सारे न्यूट्रिशंस जो है वो मिलते रहते हैं। और ऐसा करें महीने में एक बार जब आप लिक्विड फर्टिलाइजर दे रहे हो तो उसमें आधा या 1/4 चम्मच, आधा चम्मच मिला सकते हैं, छोटा चाय का चम्मच है तो वो मिला सकते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट पाउडर भी आप इसमें दे दें तो वो बहुत अच्छा रहता है, उसमें सारे ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं तो फूलों के रंग भी अच्छे आते हैं, पत्तियां भी अच्छी रहती हैं, तो वो आप इसमें करते रहें। और हाँ, अगर आपका प्लांट बहुत ज्यादा बड़ा है और आप उसको शेप देना चाहते हैं कुछ, तो आप फरवरी बहुत अच्छा मौसम होता है, फरवरी में आप उसकी प्रूनिंग वगैरह अपने प्लांट की कर सकते हैं। कई बार क्या होता है आपका जो पौधा है उसमें फूल नहीं आ रहे, तो उसके कई रीजन होते हैं। एक तो ये रीजन होता है कि आपने अपने प्लांट को बहुत ज्यादा, जब हम प्रूनिंग कर देते हैं ना अपने प्लांट की, एक्सेसिव प्रूनिंग हो जाती है, तो फिर उसको फूल वो उस मौसम में नहीं देता है, नेक्स्ट मौसम में देता है या थोड़ा लेट फ्लावर्स देता है। तो प्रूनिंग करें लेकिन बहुत ज्यादा एक्सेसिव प्रूनिंग नहीं करें कि आपके पौधे में फूल ही नहीं आए। दूसरा, आप पानी उसको बहुत ज्यादा देंगे या बहुत कम देंगे तो भी फ्लावरिंग में प्रॉब्लम आती है। तीसरी चीज, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि जब आप फास्फोरस वाली फर्टिलाइजर नहीं देंगे जब तक, बोन मिल बेस्ट रहता है। अगर आप बोन मिल नहीं देना चाहते तो रॉक फॉस्फेट दे सकते हैं, तो फॉस्फेट वाला फर्टिलाइजर, या फिर आप केमिकल में जाएं तो आप इसमें सुपर फॉस्फेट दे सकते हैं। 12 इंच के गमले में आधा चम्मच सुपर फॉस्फेट पानी में घोल के दे दीजिए, 1 लीटर पानी में घोलिए आधा चम्मच और वो दे दीजिए, और उसमें आधा चम्मच पोटाश भी मिला दीजिए, वो दे दीजिए आप 10-15 दिन में एक बार, तो वो उससे भी फ्लावरिंग बहुत अच्छी आती है। हाँ, खाली अगर आप गोबर खाद या वर्मी कम्पोस्ट देंगे तो पत्ते ही पत्ते देगा आपका प्लांट और उसमें फिर आपके फूल नहीं आएंगे। इसके फ्लावर्स में खुशबू बहुत अच्छी आती है, मेरे पास एक रेड वाला भी चंपा है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और फिर जैसे मैंने अभी कहा कि इसमें फंगस लग जाए तो आप कॉपर वाला कोई फंजिसाइड इसको दें, और मिट्टी इसकी बिल्कुल वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, बहुत कोर्स मिट्टी होनी चाहिए, मोटी मिट्टी होनी चाहिए, उसमें आप रिवर सैंड ज्यादा मिलाएं, जैसे एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा खाद और एक हिस्सा मैं सैंड मिलाती हूँ, तो इसमें सैंड थोड़ा सा ज्यादा लें, मिट्टी इसकी कोर्स होनी चाहिए, वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, तो उसमें ही ये ज्यादा अच्छा। अगर आप बहुत कॉम्पैक्ट मिट्टी में इसको लगाएंगे तो आपका प्लांट बहुत जल्दी गलता है, क्योंकि ये थोड़ा सा फ्लैशी सा प्लांट होता है, लेकिन इसकी कटिंग बहुत अच्छी तरह लग जाती है। कटिंग लगाने का एक बहुत अच्छा अलग सा प्रोसीजर है, थोड़ा सा अलग है वो, आप मैं कटिंग वाली वीडियो मैंने बनाई हुई है वो आप देखेंगे, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, इजी प्रोसीजर है लेकिन हल्की सी ट्रिक है उसमें, उससे कटिंग अच्छी लगती है। और इसमें कई बार एफिड्स वगैरह भी बहुत लग जाते हैं, काले काले से आपको यहाँ पे काले काले से स्पॉट दिखेंगे, मिली बग्स या स्पाइडर माइट्स, थोड़े थोड़े छोटे छोटे जाले से पिछली साइड पत्ती के ऐसे दिखें, तो कोई भी आपको ऐसे इंसेक्ट वगैरह दिखता है तो उसके लिए मैं आपको पहले ही बताती हूँ कि इंसेक्ट लगने से पहले ही हर 20 दिन में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे करें। नीम ऑयल जो है वो एग्रीकल्चरल शॉप पे आजकल मिलता है, उसमें इमल्सीफायर, जैसे हम नीम ऑयल और तेल मिलाते हैं ना, तो वो इमल्सीफायर मिला हुआ ही आता है उसमें, तो 1 चम्मच डालें 1 लीटर में और उसको अच्छी तरह पत्तियों के बैक साइड पे भी और छिड़काव करते रहें, ताकि हमारा प्लांट हेल्दी रहे और उसमें जो है वो इंसेक्ट्स लगे ही नहीं, पेस्ट कोई भी। और दूसरा, आप वो ध्यान रखें कि पानी बहुत कम देंगे और बहुत ज्यादा धूप में रखेंगे। अगर आपका गमले में रखा हुआ प्लांट बहुत ज्यादा धूप खा रहा है और उसके पत्ते ऐसे मरे हुए से ब्राउन येल्लोइश से हो रहे हैं, आपको पता चलता है धूप से जल रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा ऐसी जगह रख दें जहाँ थोड़ी सी बिल्कुल आफ्टरनून की धूप से वो बचे, क्योंकि कंटेनर वाले प्लांट्स, कंटेनर अगर छोटा है तो थोड़ा सा उनको हमें ध्यान देना पड़ता है उनकी कंडीशन पे, अदरवाइज इसको 5 से 6 घंटे की धूप अगर मिलती है तो ये बेस्ट फ्लावरिंग करता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपको रेड चंपा भी दिखाती हूँ।
इसके थोड़े ये फ्लावर्स स्पेंट हो गए हैं, काफी दिनों से खिले हुए थे, और देखिए अभी ऐसे मरे मरे से ही हो रखे हैं, पर फिर भी ये देखिए। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं और आप चाहते हैं कि आप मेरी नई वीडियोस देखते रहें, उनका अपडेट आपको मिलता रहे, तो आप बेल आइकन को भी, मतलब बेल के निशान को भी प्रेस करें, दबाएं, तो आपको मेरी डेली वीडियोस या जो भी मैं एक दिन छोड़ के डाल देती हूँ कई बार, उसके अपडेट मिलते रहे। ओके फ्रेंड्स, बाय।